Hi, this is Anjeet, Manager, Learning and Development and co-author of the book Winning It Together. उम्मीद करता हूं आपको HR का पहला वीडियो बहुत जबरदस्त लगा होगा. आज हम HR के ऑब्जेक्टिव्स में बात करने जा रहे हैं कि HR के कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं. अगर आप डिफरेंट किताबें उठा के देखेंगे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पूरे कोर्स का आपके साथ डिस्कशन होगा. उसके टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं. उन ऑब्जेक्टिव्स को हम मजीद आपसे बात करना चाहेंगे. सबसे पहला HR का ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. इसमें HR अपनी स्ट्रेटेजीज बनाता है साल की, और उन स्ट्रेटेजीज को लेकर बिजनेस का जो प्लान होता है, बिजनेस की जो प्रोग्रेशन होती है, बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होती है, उसके साथ वो अलाइन करता है. और जो HR अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करता है और स्ट्रेटेजी के जो डिलीवरेबल्स हैं, जो अचीव करना चाहता है, वो बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करता है. सो HR, आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि HR इज मोर प्रोन टू द स्ट्रेटेजी एंड डेटा. यस, HR स्ट्रेटेजिक में यही काम होता है कि वो बिजनेस स्ट्रेटेजी से अपने काम को अलाइन करता है. द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द HR इज कोहेरेंट HR, इंटीग्रेटेड एंड म्यूचुअली सपोर्टिंग HR पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. तो HR का सबसे बड़ा रोल यह है कि वो अपने SOPs तैयार करता है, क्रॉस फंक्शनल को हेल्प करता है SOPs बनाने में, और पॉलिसीज बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करता है. कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो वे फॉरवर्ड होता है वो प्लान करके उसको साइन ऑफ करने में बाकी डिपार्टमेंट्स की हेल्प करता है. और ये चाहता है कि जो पॉलिसीज SOPs तैयार की गई हैं, क्या लोग उस पर वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. इनडायरेक्टली HR इज वर्किंग लाइक अ कंप्लायंस ऑफिसर, लाइक अ कंप्लायंस मैनेजर इज वेल. तो वो बेसिकली कस्टोडियन है पॉलिसीज का, SOPs का, और कोड ऑफ कंडक्ट का इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ HR इज द कमिटमेंट, स्टेब्लिशिंग ऑन गेनिंग कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड वैल्यूज. बेसिकली ये किताबी डेफिनेशन है, मैं आपको बताता हूं कि HR जो है बेसिकली वो 5 चीजों पे बड़ा फोकस करता है. उसकी कमिटमेंट लोगों से लेना चाहता है, वो क्या है. इट्स अ विमोसा, V फॉर वैल्यूज एंड M फॉर मिशन, O फॉर ऑब्जेक्टिव, S फॉर स्ट्रेटजी, A फॉर एक्शनेबल्स. और जो पहला V मैंने आपको बताया, वैल्यूज एंड विजन को हम एक साथ लेकर चलेंगे. तो HR का सबसे बड़ा फोकस क्या होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अलाइन करे, उनसे कमिटमेंट ले ले और विमोसा को इंप्लीमेंट करने में बाकी डिपार्टमेंट्स को और कंपनी के स्टेक होल्डर्स को, कंपनी के शेयर होल्डर्स को, एम्प्लॉइज को, स्टाफ को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लिंक कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको विमोसा के अंदर जोड़ दे. विमोसा दोबारा रिपीट करता हूं आपके लिए, वी फॉर वैल्यूज एंड विजन, एम फॉर मिशन, O for objective of the organization, S for strategies for the organization, A for actionable statements as well. And the fourth objective of the HR is people treated as assets. लोग कहते हैं कि लोग हमारी कंपनी में जो आते हैं क्या वो वाकई असासे हैं. द गुड पीपल आर द एसेट्स एंड बैड पीपल आर द लाइबिलिटीज. गुड पीपल मीन्स दे आर कमिटेड, दे वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दे डू नॉट काउंट द टाइम एंड मनी ओनली, दे ऑलवेज गिव 120% पोटेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे टेक ओनरशिप, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स, दिस इज इक्वली माइंड बिकॉज आई एम वर्किंग हियर. दीस काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड द एसेट्स. तो पीपल ट्रीटेड एज एसेट्स, HR का फोकस होता है कि वो अपने लोगों को डेवलप करें ताकि आने वाले वक्तों में वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा पहुंचा सकें. द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ HR इज अ यूनी इंटरेस्ट अप्रोच. यूनी इंटरेस्ट अप्रोच में क्या होता है, द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज शेयर द सेम इंटरेस्ट. जो इंटरेस्ट मैनेजमेंट का होता है, टॉप मैनेजमेंट अपने N-1, N-2 जो नीचे के लोग होते हैं उनके साथ अपना इंटरेस्ट शेयर करते हैं, उनके साथ अपने साल के ऑब्जेक्टिव शेयर करते हैं, अपने प्लान शेयर करते हैं और अचीवेबल स्मार्ट ऑब्जेक्टिव शेयर करते हैं. और जो मैनेजमेंट कहती है, जो नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी आपस में अलाइनमेंट क्रिएट हो जाती है. जब मैनेजमेंट एक पेज पे है, एम्प्लॉय एक पेज पे है, तो HR का काम होता है कि दोनों को एक पेज पे मजीद बेहतर लाने के लिए उनको हेल्प करे और दोनों के जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करे, ताकि एक पेज पर आके हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. सो लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे इज लाइन मैनेजर्स डिलीवर HRM.
believe that line managers deliver HRM, believes that HRM is essentially responsibility of line manager. जो HR का जो role है वो जो लाइन मैनेजर होते हैं डिपार्टमेंट्स के, उनके साथ कनेक्ट रखे और उनके नीचे जो स्टाफ काम करता है उनका फीडबैक ऑन मंथली बेसिस, ऑन क्वार्टरली बेसिस, सेमी एनुअली बेसिस और ऑन एनुअल बेसिस अचीव करता रहे, ताकि एचआर आपको पीपल डेवलपमेंट में हेल्प करे। बेसिकली एचआर लाइन मैनेजर्स को ट्रीट करता है और उनको ट्रेन करता है और ताकि वो अपने नीचे के लोगों को मजीद ट्रेन करें। सो दीज आर अमेजिंग 6 ऑब्जेक्टिव्स और उम्मीद करता हूँ जैसे आपने पहली वीडियो को पसंद किया, इस दूसरी वीडियो को भी आपने एचआर के पर्सपेक्टिव में पसंद किया होगा। सो अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे LND के बाद HR के कंटेंट में भी मेरा सपोर्ट करें, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।